अस्सलाम वालेकुम। आज हम बजरी चाप बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये चापे लिए मटन की। ये धो के साफ करके रख लिया, तो सारी ये ऐसे चापे हैं। किसी में बोटी थोड़ी ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो ये साफ करके धो के रख लिए। मटन चाप है, और उसके लिए थोड़ी सलाद बनाएंगे। तो सलाद के लिए हमने ये सारी चीजें काट के रख रखी है। तो ये कुछ अलग हटके हम चाप तलेंगे तंदूर की तरह बिल्कुल। तो उसमें हम ये प्याज डालेंगे। दो हमने प्याज लिए हैं, ये महीन चौप महीन हमने कद्दूकस कर लिया है और उसको निचोड़ लिया पानी को अच्छे से। और तीन से चार हरी मिर्चें लिए, महीन महीन हरी मिर्चें काट लिए। और ये सलाद के लिए लिया हमने दो प्याजे हैं, शिमला मिर्च तीनों, रेड ग्रीन येल्लो, और ये बीन्स लिए हमने। तो ये सब हम सलाद में यूज करेंगे। तो जैसे कैसे बनाएंगे तो ये बाद में दिखाएंगे हम आपको। तो पहले हम इसका देखिए, पहले हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो आधा घंटा लगेगा, तो आधे घंटे के लिए अगर जो आपके पास टाइम नहीं है तो आप हाथ के हाथ भी कर सकते हैं इसे। तो हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, एकदम सब एक ही मसाले में बनाते हैं। तो आज हम बिल्कुल अलग मसाले में बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें प्याज डाल देंगे, टीस्पून हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही बढ़िया। अगर चाहे आप हल्की खाना चाहते हो तो आप हल्की भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ ही मिर्चें जो हमने बहुत महीन महीन काटी थी, तीन से चार मिर्चें, ये तेज होती है, महीन वाली मिर्चें ये, तो ये डाल देंगे। इसी के साथ साथ आधा टीस्पून हम इसमें सॉल्ट पाउडर डाल देंगे। अगर जो आपके पास ये सॉल्ट पाउडर ना हो तो आप अदरक लहसुन डाल सकते हैं पिसा हुआ, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए, या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आधा टीस्पून लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। के साथ साथ दो से तीन टेबल स्पून हम ऑलिव ऑयल डाल देंगे, या आपके पास जो भी मौजूद हो वो डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे, देते हैं अच्छे से मिला देते हैं सारे मसालों में। ये देखिए, बहुत ही सिंपल से, बहुत ही आसान तरीके से, और अलग नई रेसिपी बिल्कुल लेकर आए हम आपके लिए। बहुत ही बढ़िया सा लगेगा ये, सभी खाते हैं हर साल, या वैसे भी जब मन करे तो आप बिल्कुल अलग तरीके से बना के देखें, आपको भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो इसे बहुत अच्छे से सबको जैसे मसाज करते हैं ऐसे अच्छे से मिला देंगे। दो टेबल स्पून हम नींबू का रस डाल देंगे, लेमन जूस, अभी से हम जीरा डालेंगे थोड़ा सा टीस्पून, आधा टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ जीरा डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। अभी से अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, और फिर दिखाते हैं कि बजरी चाप हम क्यों कह रहे हैं इसे। पूरी एंड तक जरूर देखें, आपको भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल एक नई रेसिपी लेकर आए आप सबके लिए। देखिए, अब आप आधे घंटे के लिए इसे ढक के रख देते हैं और आगे की तैयारी दिखाते हैं आपको। देखिए, हमने बजरी लिए मोटी वाली, ये मोटे साइज की, बहुत मुश्किल से मिली है हमें, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम अच्छे से धो लेते हैं, तब तक इसका बिल्कुल सफेद पानी नहीं निकल जाता है साफ बिल्कुल। ये देखिए, इसका गंदा पानी निकल रहा है, तो इसे हम अच्छे से धो लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। आठ से दस पानी हमने पानी से धो लिया, ये देखिए बिल्कुल साफ पानी एकदम हो गया, एकदम से बिल्कुल साफ पानी हो गया। तो इसे हम इसमें टोकरी में रख देंगे और इसका पानी भी चढ़ जाएगा और ये खुशक हो जाएंगी बिल्कुल, तो इस्तेमाल करेंगे हम इसे। देखिए, हमने बजरी जो है कढ़ाई में रख दी गर्म होने के लिए, गर्म हो जाएगी अच्छे से। देखिए, हमने एक फ्राई पैन ले लिया, अब इसमें हम बटर डालेंगे थोड़ा सा, तो
थोड़ा थोड़ा सा बटर डाल के हम अपनी सलाद की तैयारी करेंगे। इसमें हम ये बीन्स डाल देंगे बटर में, तो एक एक करके हम फ्राई करेंगे इसे। थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल देंगे इसमें, तो हमारे पास ये काली मिर्चें हैं, इसमें नमक मिक्स है, हम ये अंडे में खाते हैं, तो इसीलिए इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे। आप चाहे तो ऑयल में भी कर सकते हैं, हमने बटर में करा, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बस हल्का हल्का सा जैसे फ्राई करना है या कोरना है, बस ऐसा करना है इसको, ज्यादा हमें गलाना नहीं है इसे। देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है, बस इससे ज्यादा नहीं गलाना है हमें, तो हम प्लेट में निकाल लेते, बटर नहीं निकालेंगे हम, तो ऊपर ऊपर से निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा हमारे बीन्स बन के तैयार हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा आ रही है। इसी में ही हम इसे प्याज को भी फ्राई कर लेंगे ऐसे ही, तो हम सारी चीजें ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, ये शिमला मिर्ची तीनों एक साथ करेंगे। थोड़ा सा बटर डाल देंगे और इसे भी हम ऐसे ही फ्राई। देखिए हमने सब फ्राई करके रख लिए, टमाटर हैं तीनों तरह की, शिमला मिर्च, प्याज और बीन्स, हमने सब फ्राई कर लिया बटर में। तो इधर हमारे बजरी जो है वो भी गर्म हो गई है, हल्की हल्की, ज्यादा तेज नहीं है, तो जब सिकेगा तो और तेज गर्म हो जाएगी। तो हम मटन जो है इसे और मिक्स कर लेते हैं एक दफा अच्छे से। देखिए हमने अच्छे से मिला लिया, तो इसे हम इस पर रख देंगे आराम आराम से। देखिए सारी हम ऐसे ही रख देंगे इनके ऊपर, बजरी के ऊपर। ये देखिए हमने जो चापे हैं रख दिए, और अभी बाकी हैं, तो एक दफा में और रखी जाएंगी। तो थोड़ा सा मसाला हम ऊपर से ही लगा देते हैं इसके, तो तेज आंच पे ही हम इन्हें सेकेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। ये देखिए हल्की हल्की सी सिकने लगी है, तो ये ऐसे ही सिकेंगी, तो ये एक तरफ से सिक जाती है, फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमारी बजरी मटन चाप कितने बढ़िया सी सिक गई है, ये बहुत ही बढ़िया, कितना धुआं निकल रहा है इसमें से, और खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी बजरी मटन चाप जो है बिल्कुल तैयार हो गई है, तो थोड़ा सा हरा धनिया, और आप इसके ऊपर से जो है मक्खन बटर भी डाल सकते हैं, और सब सलाद के साथ खाई जाएगी, तो बहुत ही बढ़िया सी लग रही है देखने में भी, और ये खाने में भी इतनी ही अच्छी लगेगी। अगर चाहे आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, और अगर चाहे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।